गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज एक दिन के दौरे पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लाठीचार्ज के दोषियों के खिलाफ आवश्यक कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही पिछली सरकार के दौरान कांग्रेसियों के खिलाफ दर्ज धरना प्रदर्शन और चक्का जाम सहित अन्य राजनीतिक मामलों के वापस लेने की बात कही। उन्होंने कांग्रेसियों को लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसकर तैयार रहने को कहा। ताम्रध्वज साहू ने लोक निर्माण विभाग समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की बैठक भी ली। लोक निर्माण विभाग के अफसरों को तय वक्त पर गुणवत्ता युक्त काम करने और पुलिस अधिकारियों को जनता की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।